Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Aparna Kumari, your chemistry educator at Beyond Teachings. हम क्लास 10th की चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेसेस एंड सॉल्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज को देखते हुए इस चैप्टर को काफ़ी क्लियरली जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर एंड द सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर। सो व्हाट आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर? So examples such as turmeric, litmus and red cabbage leaf and the flower of some petals, that means ki petals of some flowers such as petunia, geranium etc. And what are the synthetic indicators? That is methyl orange and phenolphthalein. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट इज एसिड? सो द सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस वन और मोर H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन दैट इज नोन एज एसिड्स। यानी कि जो भी सब्सटेंस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस को रिलीज करता है उसे हम कहते हैं एसिड्स। एंड बेसिस क्या होते हैं कि जो भी सब्सटेंस आपके एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन रिलीज करते हैं उसे हम कहते हैं बेसिस। सो ये तो हो गए एसिड एंड बेसिस के आपके डेफिनेशन। अगर आप देखोगे इनके एग्जांपल्स क्या है, तो एसिड्स के एग्जांपल्स होते हैं सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। एंड अगर हम बात करें बेसिस के एग्जांपल्स की तो हो गया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट मींस कि NaOH, तो KOH हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे हो गए आपके एसिड और बेसिस के एग्जांपल्स। अब है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि कोई भी सब्सटेंस आपका एसिड है या फिर बेस है। तो हम जनरली क्या करते हैं कि जो एसिड होता है वो उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर टेस्ट होता है। सो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉरी टेस्ट होता है, यानी कि वो खट्टे टेस्ट का होता है। और अगर आप बात करोगे बेस की तो बेस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है दैट मीन्स कि वो बिटर इन टेस्ट होता है। सो आप हर एक चीज़ को तो टेस्ट कर नहीं सकते जैसा कि हमने देखा था। तो हम क्या करते हैं उसके डिफरेंट टेस्ट करके देखते हैं कि उसके टेस्ट करने पर जो है वो सब्सटेंस जो है वो आपका कलर कैसे चेंज करता है या फिर हो सकता है कुछ स्मेल्स में चेंजेस हो। तो इस तरह जो है टेस्ट कि ये पता किया जा सकता है कि कोई भी सब्सटेंस आपका एसिड है या फिर वो बेस है। तो आज हम जो है एक एक्टिविटी देखने वाले हैं जिसमें आपका कुछ जो है वो इंडिकेटर्स हम लेंगे एंड उससे हम पता करेंगे कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। और अगर वो एसिड है या फिर बेस है तो उस इंडिकेटर्स में क्या चेंजेस आती है, सो इस एक्टिविटीज में आज हम देखने वाले हैं। तो हमने कि जैसे कि प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि जो आपके जितने भी होते हैं इंडिकेटर्स होते हैं वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, या तो वो नेचुरल इंडिकेटर्स हो सकते हैं या फिर वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या आ गया? लिटमस आ गया। तो आज हम इसमें लिटमस टेस्ट करने वाले हैं। बेसिकली 2 लिटमस पेपर्स का हम यूज करेंगे, सॉरी 2 लिटमस सॉल्यूशन का हम यूज करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज योर रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज योर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, एक हम करेंगे टेस्ट फेनोफ्थलीन के साथ में एंड सेकेंड टेस्ट हम देखेंगे मिथाइल ऑरेंज के साथ में कि जब कोई सब्सटेंस आपका एसिड है या फिर बेसिस है तो इन इंडिकेटर्स में क्या चेंजेस जो है वो आते हैं या फिर हमें दिखाई देते हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं रेड लिटमस सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे एसिड्स और बेसिस दिए गए हैं जिसका आपको ये टेस्ट करके देखना है लिटमस सॉल्यूशंस पे एंड फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज पे। तो वो क्या है? H2SO4। What is H2SO4? It is known as sulfuric acid। तो ये क्या है आपका? एसिड है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये भी क्या है आपका? एसिड्स है। नेक्स्ट है HNO3, ये क्या है? नाइट्रिक एसिड, इट इज ऑल्सो एन एसिड। नेक्स्ट CaOH का होल ट्वाइस, इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बेस है। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका बेस है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस होता है। एंड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? बेस है। सो हम क्या करेंगे कि Put a drop of each of the above solution on a watch glass, एक watch glass लेंगे एंड जितने भी solution है सबका एक एक drop हम लेंगे एंड देन हम क्या करते हैं कि ये सारे indicators पे टेस्ट करके देखेंगे कि कौन सा substance आपका acid है एंड कौन सा substance आपका base है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं यहाँ रेड लिटमस सॉल्यूशन, यानी कि जब यहाँ पे क्या है आपको सैंपल्स दिए गए हैं किस चीज के? एसिड्स के एंड बेसिस के। सो फर्स्ट हम टेस्ट करेंगे रेड लिटमस सॉल्यूशन पे। तो जब आप रेड लिटमस सॉल्यूशन पे टेस्ट करते हो तो रेड लिटमस सॉल्यूशन पे क्या होता है? एसिड जो होता है इस पे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये क्या होगा? नो चेंज। वहीं जो बेस है वो चेंज होके कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर। यानी कि हम क्या देखते हैं कि रेड लिटमस सॉल्यूशंस पे एसिड जो होता है वो कोई चेंज नहीं होगा, वाइल आपका जो बेस है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अब क्या है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पे हमें टेस्ट करना है, तो एसिड जो है वो क्या करता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है, जबकि बेस पे क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी कि जब आप देखोगे तो रेड लिटमस सॉल्यूशन पे क्या होता है, एसिड जो होता है उसका कोई चेंज नहीं होता है, जबकि बेस जो होता है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पे देखेंगे तो एसिड्स जो होते हैं वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि बेस पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिनॉक्थिलीन सॉल्यूशन पे। अब आपने सोच रहे होंगे कि फिनॉक्थिलीन क्या है। सो फिनॉक्थिलीन आपका क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर जो फिनॉक्थिलीन है उसमें आपका एसिड जो होता है, एसिड के केस में वो क्या होता है, कलरलेस रहता है, यानी कि उसमें कोई कलर नहीं शो करता है। वो क्या होता है, कलरलेस होता है। कब, जब फिनॉक्थिलीन सॉल्यूशन पे जब वो एसिड सब्सटेंस होगा तो वो कलरलेस होगा, लेकिन अगर वो बेस हुआ तो बेस के केस में क्या होगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जब आपका फिनॉक्थिलीन टेस्ट जब वहाँ हम करते हैं तो अगर वो कलरलेस है तो आपका वो क्या है, एसिड है, और जब वो पिंक कलर का है तो वो आपका क्या है, बेस होता है। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो आपके एसिड होते हैं वो होते हैं रेड कलर के, जबकि जो बेस होता है वो क्या होता है, येलो कलर में चेंज होता है। सो हमने क्या देखा कि जब भी आप डिफरेंट इंडिकेटर्स पे जब आप टेस्ट कर रहे हो एसिड और बेसिस की, तो क्या हो रहा है कि जब भी रेड लिटमस सॉल्यूशन पे टेस्ट करोगे तो क्या होगा, एसिड्स पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, जबकि अगर वो बेस सब्सटेंस हुआ तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा। सेम एज कि जब वो ब्लू लिटमस टेस्ट आप करोगे तो अगर वो एसिड हुआ तो वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन आपका रेड कलर में कन्वर्ट होगा, जबकि बेस पे कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है फिनॉक्थिलीन सॉल्यूशन के केस में एसिड अगर होता है तो वो कलरलेस रहेगा, लेकिन अगर वो बेस हुआ तो वो पिंक कलर में चेंज होगा। नेक्स्ट, अगर आप मिथाइल ऑरेंज टेस्ट देखोगे तो वो क्या होता है, एसिड आपका रेड कलर में कन्वर्ट होता है, जबकि बेस जो होता है वो आपका येलो कलर में कन्वर्ट होता है। तो इस एक्टिविटीज में हमने क्या देखा कि आप डिफरेंट इंडिकेटर्स पे जब एसिड और बेसिस की टेस्ट करते हो तो सभी का जो रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट, एक और फैक्टर हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, यानी कि कुछ ये सारे इंडिकेटर्स क्या थे जो आपको कलर चेंजेस दिखा रहे थे कि हाँ जब वो रेड कलर का है तो वो क्या हो रहा है, एसिड है या बेस है, या फिर वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो रहा है उस सॉल्यूशन पे तो वो एसिड है या बेस है। तो बेसिकली हम लोग ये कलर्स को देख करके पहचान रहे थे। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जहाँ स्मेल चेंज होती है, यानी कि उनके स्मेल से हम ये पता लगाते हैं कि कोई सब्सटेंस आपका एसिड है या बेस है या फिर क्या है। तो जब भी आपका कोई चीज मतलब स्मेल करके इंडिकेट किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो ओल्फैक्टरी एग्जांपल्स हो गए आपके अनियन यानी कि प्याज, क्लोव्स दैट मींस कि लौंग, एंड वनीला। सो ये सारे क्या है, ये आपके ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो भी एसिड या बेसिस है या तो आप उनके कलर चेंजेस से पता कर सकते हो कि वो सब्सटेंस आपके एसिड है या फिर वो बेस है। जहां हमने रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनॉक्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज का टेस्ट किया। एंड नेक्स्ट हमने एक टर्म यूज किया, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एंड व्हाट इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जहां इंडिकेशन जो है वो स्मेल के थ्रू पता चलता है। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इसके एग्जांपल्स होते हैं आपके अनियन हो गया या फिर वनीला हो गया या फिर क्लोव्स दैट इज लॉन्ग। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, यानी कि जब एसिड जो है वो अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे हो जहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम ये पता करेंगे कि जब जो है वो एसिड अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये क्या है, आपका एक ब्यूरेट स्टैंड है जहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है एंड यहाँ से एक पाइप थ्रू एक बिकर लिया गया है जिसमें सोप सॉल्यूशंस लिया गया है. यहाँ आप देख रहे हो कैंडल है और यहाँ से कुछ बबल्स जो है वो निकल रही है. सो ये टेस्ट ट्यूब में क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. अब हमने एक टर्म यूज किया था ना, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, जो मैंने कहा था कि आपको ये टर्म बार बार देखने को मिलेगा. तो डाइल्यूट क्या होता है, जहाँ पे आपका वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है वाइल एसिड का अमाउंट कम होता है, तो आपका क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये क्या है आपका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या लिखते हैं, H2SO4. ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड. सो नेक्स्ट है, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड किया, यानी ये सारे क्या है आपके जिंक ग्रैन्यूल्स, यानी कि आप क्या ऐड कर रहे हो, जिंक ग्रैन्यूल्स. तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, यहाँ से आपका फॉर्म होगा ZnSO4. ZnSO4 को हम क्या कहेंगे, जिंक सल्फेट. सो ZnSO4 क्या हो गया, जिंक सल्फेट. एंड इसके साथ में आपका रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस. तो ये तो आपका हो गया इक्वेशन, जो कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने क्या लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 लिया, उसमें हमने ऐड क्या किया है, जिंक ग्रैन्यूल्स. तो जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड करते ही वहां पे क्या फॉर्म हुआ, जिंक सल्फेट, एंड प्रोड्यूस होता है वहां से आपका हाइड्रोजन गैस. तो जब ये हाइड्रोजन गैस, जो कि आप देख रहे हो यहाँ से ये बबल्स के फॉर्म पे यहाँ से निकल रहा है, तो ये सारे हाइड्रोजन गैस जब आपके, देखो आप यहाँ देख रहे हो टेस्ट ट्यूब में कि यहाँ से क्या हुआ कि जब सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स जो है वो ऐड हुआ, जब वो रिएक्ट किया तो वहां से क्या फॉर्म हुआ आपका, जो है वो जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ. और यहाँ में आप देख रहे हो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकल रहे हैं. तो ये सारे बबल्स क्या होते हैं ना, काफी लाइट वेट के होते हैं. तो ये सारे बबल्स यहाँ आ गए. एंड इस बिकर में हमने क्या लिया है, सोप सॉल्यूशन, यानी कि जो सोप सॉल्यूशन होता है उसके थ्रू ये सारे हाइड्रोजन बबल्स को पास कराया जाता है. तो हाइड्रोजन बबल्स क्या होते हैं, लाइटर वेट के होते हैं, उनका वेट कम होता है, तो ये क्या होते हैं, सॉल्यूबल नहीं होते, यानी कि उस सोप सॉल्यूशन पे वो सॉल्यूबल नहीं हो पाए. सो यहाँ से आपके हाइड्रोजन बबल्स जो है वो निकलने लगे. नेक्स्ट हमने क्या किया कि इस हाइड्रोजन बबल्स के पास हम एक जलती हुई कैंडल को लेकर के आए, यानी कि जब ये जलता हुआ कैंडल्स को आप हाइड्रोजन बबल्स के पास में लेकर आओगे तो यहाँ से ना एक पॉप साउंड रिलीज होता है. पॉप साउंड आपने सुना होगा ना, जब कोल्ड ड्रिंक्स के हम बॉटल के जब उसके कैप को जब हम ओपन करते हैं तो वहां से पॉप साउंड आता है, सेम वैसा ही साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होता है जब हाइड्रोजन बबल्स के सामने आप एक जलता हुआ यानी बर्निंग कैंडल को लाते हो. तो यहाँ में क्या होता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड. तो इस जो है इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चला कि जब भी कोई मेटल्स आपके एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है वहां पे, ये क्या है, एक तरह का सॉल्ट होता है. यानी कि जब भी ये H2SO4 क्या है, एसिड, Zn क्या है, मेटल, यानी कि जब एसिड आपका मेटल से रिएक्ट किया तो फॉर्म क्या हुआ, सॉल्ट, एंड इसके साथ में ये हाइड्रोजन गैस. तो हमने क्या देखा कि जब भी आपका एसिड्स जो है वो अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट्स और वहां से प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस, जो कि हमने इस एक्टिविटी में देखा कि जब जो है वो जिंक मेटल्स को जब आपके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में पास कराए, मतलब डाइल्यूट एसिड में जब आपके इस जिंक को डाला गया तो वहां से क्या हुआ कि जिंक सल्फेट, यानी कि वो एज अ सॉल्ट के टर्म पे मिला, एंड वहां से वो हाइड्रोजन गैस जो है वो आपका प्रोड्यूस हुआ. एंड उसके सामने जब आप बर्निंग कैंडल को लेके गए तो वहां से पॉप साउंड रिलीज हुआ, जो कि इंडिकेट करता है कि वहां पे हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रेजेंट है. सो बेसिकली आज के क्लास में हमने क्या देखा कि जब भी आप किसी इंडिकेटर्स में आप जब एसिड और बेसिस को टेस्ट करते हो तो वहां पे किस तरह से किस फॉर्म पे उनके कलर चेंज हो सकते हैं. एंड नेक्स्ट हमने पढ़ाई की कि व्हाट आर द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि जहां पे आपका स्मेल चेंज होता है इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि वो सारे क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं. तो एग्जांपल्स क्या थे आपके, अनियन हो गया, क्लोव्स या फिर वनीला. नेक्स्ट हमने देखा कि जब भी आपका एसिड्स जो है अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट, एंड उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड. सो आगे के फर्दर टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. Thank you and have a nice day. Please share this channel and subscribe it. Thank you and have a nice day.